लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर वक्त इस यूनिवर्स में काम करता है। आप चाहो या ना चाहो, ये हर वक्त आपकी तरफ कुछ चीजों को आकर्षित करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें आकर्षित होती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ नेगेटिव चीजें आकर्षित होती हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति पॉजिटिव फील करना चाहता है। अब सवाल ये आता है कि हम पॉजिटिव चीजों को कैसे आकर्षित करें। जिस फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, आप उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आकर्षित करते हो। हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आप अच्छी और पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करते हैं। लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आप खराब और नेगेटिव चीजों को आकर्षित करते हैं। तो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए हम क्या करें? अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप चुटकियों में अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर मनचाही चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर वन, इंटेंट टू कंट्रोल। अगर आपकी इंटेंशन यानी इरादा सही नहीं है तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप गलत इरादे से किसी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी पर काबू पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि गलत इरादा आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को कम कर देता है और सही इरादे से किया गया हर काम आपकी तरफ अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। नंबर टू, नेगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ जजमेंट। आप जैसे हो आपको उसी तरह से खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कमी है और उसे कैसे सुधारना है। जब आप खुद से झूठ बोलने लगते हो तो ये आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। डर, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा, शर्म, गिल्टी, जलन और नफरत जैसी नेगेटिव फीलिंग्स आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है। प्यार, जॉय, गौरव, सहानुभूति, दया, उम्मीद और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करती है। नंबर थ्री, रेजिस्टेंस। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसकी लगाम आपके हाथ में होती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और जब आपके अंदर ये डर होता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जब आप भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं या किसी और के भरोसे रहते हैं, तब आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। आपको अपने दिमाग से किसी भी डर को हमेशा के लिए हटाना होगा। जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको उसे कंट्रोल करने के बारे में सोचना है। लेकिन जिस सिचुएशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको केवल अपनी भावनाओं पर काबू पाना है, हमेशा खुश रहना है और हर किसी के लिए अच्छा सोचना है। नंबर फोर, अल्कोहल। कई लोगों को लगता है कि अल्कोहल का सेवन करने से उन्हें खुशी महसूस होती है और मन हल्का होता है। अल्कोहल का सेवन करने से स्ट्रेस तो कम होता है, लेकिन इससे आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल डिप्रेशेंट का काम करता है, आपके चित्त यानी दिमाग को उदास करने का काम करता है। नंबर फाइव, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर मेडिकल स्टोर से लिए जाते हैं, वो भी आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं। नंबर सिक्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स। ड्रग्स जैसे कि कोकेन, मेरिजुआना और अफीम जैसे ड्रग्स आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं। अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए आपको किसी भी तरह के ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर सेवन, फूड्स। हम जो खाना खाते हैं, हर खाने की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं? ऐसे फूड्स जिन्हें केमिकल्स और पेस्टिसाइड से ट्रीट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनर्स, सोडा और हाई शुगर फ्रूट जूस, अल्कोहल, प्रोसेस्ड पैकेज्ड और फास्ट फूड्स, अनहेल्दी ऑयल्स जैसे कि कैनोला और रेप सीड, डीप फ्राई फूड्स और माइक्रोवेव फूड्स। इन सारे फूड्स में लो फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को कम करती है। फ्रेश और होल ऑर्गेनिक फूड्स यानी कि केमिकल फ्री खाना आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। नंबर एट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारा शरीर चलने, घूमने, फिरने और एक्सरसाइज करने के लिए बना है। अगर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। आपको केवल वही एक्सरसाइज करनी है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और जो एक्सरसाइज आपको करनी अच्छी लगती है वही एक्सरसाइज आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है। नंबर नाइन, लैक ऑफ स्लीप। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अच्छी नींद लेने से हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। नंबर टेन, लैक ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको हर दिन सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 11, नेगेटिव एनवायरनमेंट। अलग माहौल में रहने की वजह से हमारी सोच में बदलाव आता है,
नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। प्रकृति के साथ वक्त बिताने से, अच्छा म्यूजिक सुनने से और अच्छे लोगों के साथ रहने से आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप जिस चीज को आकर्षित करना चाहते हैं उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हमेशा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।